अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हैं जी आज आपके साथ एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे इनफिनिक्स नोड 7 का हम पैटर्न कैसे रिमूव करते हैं और FRP कैसे बाई का पास करते हैं। ठीक है, ये नहायत ही आसान होने वाला है आज आप लोगों के लिए। ये नहायत ही आसान है और ज़बरदस्त है। ठीक है, ये देखें जी हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लॉक लगा हुआ है, इसको हम करेंगे जी आप पावर ऑफ और इसको सबसे पहले तो फॉर्मेट करेंगे ताकि इसका पैटर्न रिमूव हो जाए। ठीक है, पैटर्न रिमूव करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि हम इसका FRP बाईपास कैसे करेंगे। ठीक है, मोबाइल हमारा ऑन हो गया, आपने वॉल्यूम आपको प्रेस करके रखना है और उसके बाद पावर का बटन जो है वो दबाना है। ठीक है, इससे आपका मोबाइल रिकवरी मोड में आ जाएगा। रिकवरी मोड में आने के बाद आप इसके ऊपर इसको फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। तो ये नहायत ही आसान होने वाला है जी, वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। ये लें जी, ये देखें हमने वॉल्यूम आपको प्रेस करके रखना है। ठीक है, इसके बाद पावर बटन को प्रेस करके जब हम वॉल्यूम आपको प्रेस करेंगे तो ये इस स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इसको फैक्ट्री डाटा पहले रीसेट करना है, उसके बाद इसकी कैशियर जो है ना उसको रिमूव कर लेना है ताकि हमारा मोबाइल बिल्कुल पासवर्ड वगैरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये लें जी, ये कम्प्लीट होने के बाद हमने अपने मोबाइल को कर लेना है जी रिस्टार्ट। हमारा मोबाइल रिस्टार्ट होगा, उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि फॉर्मेट होना है इसने कंप्लीट। तो फॉर्मेट होने के बाद मज़ीद आपको लेके चलते हैं जी, फिर हमने आपको चेक करवाएंगे कि इसका FRP बाईपास कैसे ओपन करना है, जो कि नहायत ही आसान होने वाला और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और मेरे जो दोस्त मेरे भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। ये जी हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा मोबाइल ऑन होता है तो हम लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर कि हम किस तरह इसका FRP बाईपास करेंगे। ये हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 7 है। ठीक है जी, इसमें आपको किसी भी PC की और किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल आप आसानी से खोल सकते हैं बग़ैर कंप्यूटर के, बग़ैर किसी एप्लीकेशन के, बग़ैर किसी APK फाइल के, जो कि नहायत ही आसान है आप लोगों के लिए। जस्ट आपको अपने मोबाइल के लिए वाईफाई चाहिए, वाईफाई लगाएंगे और बाकी मोबाइल आपका इजीली रिकवर हो जाएगा जी, FRP बाईपास हो जाएगा। ये जी हमारा मोबाइल हो गया जी स्टार्ट। यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमें उर्दू को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उर्दू सेलेक्ट करने के बाद कंट्री में हम पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट करते हैं जी। यहाँ पे हमें इसको अलाउ करना है, अलाउ करने के बाद यहाँ पे ऐड नेटवर्क के अंदर आना। ठीक है, ऐड नेटवर्क के अंदर आने के बाद ये सिंपल यहाँ पर क्लिक करके रखना है और कीबोर्ड शामिल करें जी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें लेके आना है जी, यहाँ पर हमारा वाईफाई तो कनेक्ट होना चाहिए और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कंट्री जो है ना हमने वहाँ पे सेलेक्ट करनी है, इसके आगे एरो कीज़ बनी होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे हम यहाँ इसको ओपन कर दिया और यहाँ से उर्दू पाकिस्तान को फिर हमने सेलेक्ट किया, ये तीन डॉट पे क्लिक किया। सही है, ये देखें जी, इसके बाद मदद और तासरात इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद एंड्रॉयड सेटअप को ओपन करें। ये जी यूट्यूब पेज ओपन हो गया, यहाँ पे हमें YouTube को करना है जी ओपन। ये लें जी, ये इसका YouTube का लिंक आ गया था, इसको हमने कर लिया कॉपी। ये कॉपी होने के बाद इसको ओपन करने के बाद मिनिमाइज कर दिया। ये सेटिंग्स में गए, यहाँ पे अबाउट में गए, यहाँ पे इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज और एक्सेप्ट किया, हमारा क्रोम ओपन हो गया जी। बस ये इतना सा काम है और बस हम अपने प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हैं। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लें, यहाँ पे आप किसी भी रोम का लिख दें, FRP फाइल या ADD रोम, कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं जिसमें APK एप्लीकेशन आपको मिलेंगी। ठीक है जी, हम FRP फाइल ओपन करते हैं, FRP फाइल स्पेस APK। ठीक है जी, इसके अंदर हमने जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स ओपन करने के बाद अंदर से इसके अंदर से सेटिंग्स ओपन करनी है। ठीक है, सेटिंग्स ओपन करने के बाद हमारे मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे। मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आके हमें लैंग्वेज को एक दफ़ा चेंज कर लेना है ताकि आपको आसानी रहे। आप लैंग्वेज चेंज कर लेंगे तो डिफ़ॉल्ट जब लैंग्वेज होगी तो आप इजीली इसको वर्क कर सकेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, हमने अपनी वो लैंग्वेज जो थी
उसको चेंज कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज पे लेके आए हैं। यहाँ पे हमें सिक्योरिटीज़ को ओपन करना है और इसके अंदर स्क्रीन पिनिंग पर आना है। स्क्रीन पिनिंग पे स्क्रीन लॉक हमने एडजस्ट करना है, फिंगरप्रिंट एंड पैटर्न पे क्लिक कर दें, पैटर्न और फिंगरप्रिंट, ठीक है। कोई भी आप इसके ऊपर ड्रा कर लें पैटर्न, ठीक है, 2 टाइम ड्रा करेंगे वो हो जाएगा जी उसके ऊपर एक्टिव, ठीक है। और उसको जो फिंगरप्रिंट को आप जो है ना डिसलेक्ट कर दें, एक दफ़ा लगा के अपना पासपोर्ट चेक कर लें, उसके बाद अपने मोबाइल को बिल्कुल बैक लेके आ जाएं, स्टार्टअप स्क्रीन पर लेके आएं। स्टार्टअप स्क्रीन पर आने के बाद फिर आप दोबारा से एक्सेप्ट कर लें जिसकी सर्विसेज को और नेक्स्ट करें। थोड़ा सा वेट करवाएगा गूगल, ठीक है जी, फिर जस्ट डोंट कॉपी, फिर गूगल सर्विसेज थोड़ा सा चेक करेंगे। गूगल सर्विसेज चेक होने के बाद थोड़ा सा मोबाइल वेट करवाएगा, इसके बाद फिर आपको बाकी का प्रोसेस दिखाते हैं। ये लें जी, हमारा बिल्कुल आसानी से बाईपास हो चुका है मोबाइल। यहाँ पे आपको इसको स्किप करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ओके करना है, और बस इतना सा काम था और हमारा मोबाइल जो है जी बस कुछ सेकंडों में बिल्कुल कम्प्लीटली बाईपास होके ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। ये लें जी, इसको नेक्स्ट किया, स्किप किया, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे जी। ये देखें जी, हमारा मोबाइल हो रहा है जी ऑन। ये लें जी, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये आपको चेक करवा देते हैं जी, ठीक है। ये लॉक इसके अंदर लगा हुआ है, इस लॉक को आप अंदर से चेंज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। मोबाइल का आपको मॉडल नंबर चेक करवा देते हैं सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। ये माई फ़ोन को खोला सेटिंग्स के अंदर और ये इन्फो आपको चेक करवाते हैं, ठीक है। ये डिवाइस का नाम है इन्फिनिटी नोट 7 और मॉडल नंबर X608B। दुआओं में याद रखेंगे, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।